मैंने आपका कहना है कि जो विधायक हैं, क्या नाम है, नमतुल्ला जी, उनसे नाराज हैं आप? नाराज नहीं है, पूरे सब आदमी नाराज है, जब से जीते हैं तब से दो कदम आए हैं, उसके बाद नहीं आए हैं। तो अब तो समय आ गया है, आप किसको वोट देने वाले? अब हम उसी को देंगे जो हम लोग सुरक्षा करेंगे, जो हम लोग अच्छा करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। मैंने इनको नहीं देंगे? नहीं नहीं, कसम खा लिए हम, हम लोग कसम खा लिए हैं, कोई नहीं इस 5 नंबर से लेकर। अभी तक कोई नया उम्मीदवार यहाँ पे आया? नया उम्र जो भी हमारे गांव की समस्याएं हैं, हर पंचायत नेता सब आ रहा है, लोग कह रहा है कि हम समस्या देखने आ रहे हैं, कोई राहत सामग्री हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। कल के डेट में 4 आदमी का मौत हुआ, एक से डेढ़ घंटे का 4 आदमी का मौत हो गया पानी में डूबने से। हवाई जहाज से जो भी सर्वे हो रहा है वो लग कह रहे हैं कि पुराना पंचायत पथरा गाँव बिल्कुल सुरक्षित है। हम चैलेंज देते हैं, उनमें दम है तो पैदल उतर के इस जमीन पे देखें, उसका क्या, उसका बाप भी इस पर डूब के मर जाएगा। अभी तक सबसे बड़ी दुखद घटना ये है, हमारे यहाँ की समस्या है कि जो हम लोगों ने अपने पंचायतवासी को जो मुखिया सदस्य चुने, कल सुबह से अभी तक हमारे यहाँ देखने नहीं आए, कोई नहीं पहुँचा। जो भी हमारे यहाँ सामग्री आ रहा, हमारे जो भी ये NDRF की टीम है, परसों से दिन रात लगी हुई है। परसों जो स्टार्टिंग में हुआ तो मुखिया के कहने पे ये लोग चले गए 4 बजे, जो इनसे हम रिक्वेस्ट किए थे 2-4 गर्भवती महिला को निकालने के लिए, उनके कहने का कारण चला गया। इन लोगों को कहा कि 4 बजे ड्यूटी खत्म हो जाता है, जब कल हम इन लोगों से ऑब्जेक्शन लगाए तो कल ये लोग 6 से 7 बजे तक ड्यूटी हमारे यहाँ किए थे। अभी प्रशासन की तरफ से कोई राहत सामग्री वगैरह आप लोग? कोई राहत नहीं है, कोई सामग्री नहीं, कुछ नहीं आया है। जो भी नेता प्रशासन आ रहा है, नेता लोग आ रहे हैं, विधायक कह रहे हैं कि हम आए हैं देखने के लिए, आप लोग राहत देंगे। कौन से विधायक साहब? नेमतुल्ला आए थे, हम लोग हाथ दे रहे थे पानी में कि इधर आइए, इधर आइए, हम लोग नहीं आए, देखिए, लेकिन वो सीधा निकल गए उधर के तरफ, उधर गए, उधर से आए और फिर निकल गए। अभी इलेक्शन का समय है तो नए उम्मीदवार लोग भी पहुंच रहे होंगे, इसीलिए नए नए उम्मीदवार आ रहे हैं, अपना आप लोग पत्रकार को लेकर के अपना घूम रहे हैं, वोट बना रहे हैं, लेकिन उन लोगों को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि जाने से पहले कोई राहत सामग्री लेकर के जाए। उन लोग आके कह रहे हैं हमारे NDRF की टीम के कि हम प्रत्याशी हैं, साला तुम चोर है, जब अभी इलेक्शन जीता नहीं तभी तुम आ रहे हो तो फोकट में फोटो खिंचवाने आ रहे हो, जीत जाओगे जनता का गरीब वोट का, गरीब जनता का वोट लेकर के तब तुम इन्हें क्या करोगे। अच्छा, चूंकि आप लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, आप जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, कल DM साहब का बयान आया था कि पानी पहले से कुछ कम हुआ है, तो ऐसा है? ये बात सच्चाई है कि 6 से 7 इंच पानी कम हुआ है, लेकिन जो भी सरकारी अफसर है या उन लोग कहना है कि 1 से 2 फीट पानी कम है। कल जहां हम देख रहे थे 6 से 7 इंची पानी कम हुआ है, उसको तुरंत 2 फीट में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। मान लिए कि हमारे यहां पुराना पंचायत का मेन रास्ता यही है, कोई भी डूब के मर के यहीं पे आएगा, खाना का स्टॉल यहां नहीं लग सकता है, लेके गया है लो झाझवा। नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने इस नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, अभी हम लोग पुराना पंचायत के पथरदेवा गांव में हैं, पथरा गांव में, और यहां पे बाढ़ जो अभी पिछले 2 दिनों पहले यहां पे बांध टूट के जो बरौली कौन जगह है, पूरा एग्जैक्ट लोकेशन बताइएगा। एग्जैक्ट लोकेशन ये पुराना पंचायत का पथरा गांव माझा ब्लॉक में पड़ता है। ये कहां पे बांध टूटा था? जो बांध टूटा हुआ है ये पुराना में बांध टूटा हुआ है, जो मेन छरकी पुराना में टूटा वो भी, और मेन बांध जो है सारा बांध जो मेन है वो भी उसके ठीक सामने ही टूटा पुराना में ही। जैसे ही हम लोग इस गांव में पहुंचे हैं, यहां पे लोगों का विरोध देखने को मिला, लोगों की नेता लोग से नाराजगी थी, लोग यहां पे आते हैं एक बिस्किट लेके आते हैं, लोग फोटो खिंचा के चले जाते हैं, लोग यहां पे नाराज दिखे। हमारे साथ हैं, अभी क्या नाम हुआ आपका पूरा नाम? मेरा नाम उमर अली होगा, जो कि हम इसी पथरा गाँव के रहने वाले हैं। उमर अली जी पूरा यहाँ गाइड कर रहे हैं हम लोगों को, कहाँ कहाँ पे क्या घटनाएं घटी थी और कहाँ पे बांध टूटा था, पूरा हम लोग आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, और पूरा गांव में आपको यहाँ के दिखाने वाला हूँ। ये दिखाइए, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। और कल से पहले परसों हमारी NDRF की टीम कुछ कामें की, हमारे मुखिया आए, इन लोगों को 4 बजे के आसपास छोड़ दिए, फिर कल हम ऑब्जेक्शन लगाए, तो कल से हमारी NDRF की टीम भी 6-7 बजे तक हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है। और जो भी नेता तौर पर लोग आते हैं, नए प्रत्याशी आए चाहे पुराने आए, जो भी आ रहे हैं लोग राहत सामग्री कुछ लेके नहीं आ रहे हैं, और बोट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा। इस बोट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं बोट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम प्रत्याशी हैं, इस NDRF की टीम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, गलत सलत बात बोल रहे हैं, इस पे बैठ के अपना पूरा फोटो खींच रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि पिकनिक पे आ रहे हैं फोटो खिंचवाने के लिए, वो लोग कह रहे हैं कि हम जाके देखेंगे तब समझ में आएगा, आप अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है जहाँ पे हम लोग चल रहे हैं कम से कम 20 फीट गहरा पानी है अभी यहाँ पे, जहाँ पे अभी हम लोग हैं यहाँ पे नीचे में 20 फीट गहरा पानी है। अभी हमारे पास NDRF के टीम से हैं, सर अपना परिचय दीजिएगा।
मेरा नाम मंदीप कुमार ओझा, मैं नैन इंडिया रे बिहटा पटना से हूँ। अच्छा, मैं इनके सेवा लगातार कर रहा हूँ। जिस तरह से लोग बीमार मिल रहे हैं या कि कोई डिलीवरी पेशेंट हो या कोई बच्चा हो, उनको मैं लगातार सेवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे किस तरह की परेशानियाँ आप लोगों को झेलनी पड़ी हैं? जैसे भाई उमर जी बता रहे थे कि बहुत सारे लोग आते हैं, आप लोगों को दबाव देके कि भाई ले चलिए हम लोग यहाँ प्रत्याशी हैं, या वो घूमने के लिए भी लोग आ रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा किसी तरह का कोई दबाव नहीं देते लोग। जैसे आप लोग मीडिया कर्मी हैं या कोई अगर आ गए कि हमें सर हालात देखने जाना है, या जिनके घर लोग घटना होता है उसके घर तक जाते हैं, तो हम उनको ले जाते हैं। अभी यहाँ पे जैसे सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे है? पानी तो सर इधर जैसे लोग बताते हैं उस तरह से मुझे जानकारी होती है, बाद बाकी हम घूम घूम करके अपना देखते हैं कहीं कहीं। थोड़ा सा इधर आगे दिखाइएगा पुत्र, यहाँ पे पानी की धारा ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे क्या बांध इधर नहीं, अभी ये नहर है, बांध आगे में है सर। ये बांध से ये नहर है सर, बीच में नहर के इस पार से मैंने लोग उस पार भी हम जरूरत पड़ने पर गए हैं, लोगों को लाए हैं, रेस्क्यू किए हैं। हर तरफ इधर इधर नीलगाय, नीलगाय वहाँ पे है, हिरन है क्या? पास में ले चलिएगा थोड़ा सा सर, थोड़ा पास में ले चलिएगा। वहाँ पे नीलगाय या हिरन है, डूब रही है ये। यहाँ आप देख रहे हैं इतनी कितना गहरा पानी आप देख सकते हैं। ये तैर रही है नीलगाय, और ये नीलगाय आप पानी में देख सकते हैं। और ये नहर का जो देख रहे हैं, नहर का बांध टूटा हुआ है, यहाँ पे नहर का जलधारा ये बाहर आ रही है। यहाँ पे कई जगह ग्रामीण लोगों द्वारा हिरन भी माने बचाई गई है नदी में, जो बह के बाहर आ रही थी। ये देखिए यहाँ पे जानवर कैसे डूब के जा रहे हैं, तैरते हुए जा रही है ये, कि मिट्टी पे ये मैंने वहाँ तैर रही है। मिट्टी तो यहाँ 20 फीट से 20 फीट नीचे है, यहाँ पे वो तैर रही है ना। हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, जहाँ पे बांध टूटा हुआ है, और ये यहाँ पे जलधारा देख रहे होंगे, नहर से जो पानी बाहर आ रही है, कितना तेज लहर है यहाँ पे। चारों तरफ से घिरा हुआ है गाँव ना? हाँ, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, हर तरफ से पानी है, इसमें ये लोग भी फंसे हुए हैं। क्या दिक्कत, कर सकते हैं, जूता इसी में खोल दीजिए। अरे फंस जाते हैं, चल चल आराम से, फंसिएगा ध्यान से, खींच के रखा है। चलिए पानी ही नहीं लगे अभी, जाइए स्वामी जी। बहुत कर दिए, हाँ ठीक है, ठीक है, कैमरा लेके गिर मत जाइए। तो अभी हम लोग पुरैना पंचायत के पथरा गांव में पहुंच चुके हैं, और ये गांव चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये थोड़ा सा ठीक है कि भाई गांव थोड़ा सा हाइट पे है, लेकिन यहां से बाहर निकलने का पूरा रास्ता बंद हो चुका है। क्या परेशानियां हो रही हैं आपको, आप लोगों को यहां पे? परेशानियां कहीं निकलने फिरने में, बाहर जाने में दिक्कत हो रही है, इसलिए कि इस गांव के इधर टोटल इतना पानी, इतना पानी पार करके कमज़ोर क्लास के लोग जा नहीं पा रहे हैं, और किसी तरह जो तैरने वाला है वो तैर वैर कर कहीं कहीं निकल जाता है। मीडिया में तो देखा जा रहा है बहुत सारे नेता लोग पहुंच रहे हैं, बहुत सारे मदद के लिए आ रहे हैं, यहाँ पे कोई लोग आए कि नहीं? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं आया। अब जो भी तिरपाल वगैरह देना था तो वो लोग हाईवे पर आकर अवैध लोग ले लेते हैं, कोई बायली गांव के, लेकिन यहाँ के किसी को भी कुछ नहीं मिला। जिला प्रशासन का कहना है कि कम्युनिटी किचन बनाई गई है लोगों को खाना, तो वो तो 1 किलोमीटर दूर है कम्युनिटी किचन, है यहाँ से गर्दन भर पानी टप के कौन जाएगा वहाँ पर? वो उधर वाला कौन सा गांव है? इधर बहाव तेज है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पथरा गांव है, और ये बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये रोड है, इस गांव को उस गांव से जोड़ रहा है, और बीच में बहाव देख रहे होंगे आप, बहाव यहाँ पे तेज है। यहाँ पे दिखाइए, बहाव तेज है, नहर इधर बगल में ही है जहाँ से टूटा हुआ है। कहाँ जा रही हैं दादी, इधर इधर इतना तेज बहाव में कहाँ जा रही हैं? जी जब सुन, कहाँ हमने घर तो पूरा है टोला, बाकी रह नया के बानी सन भाग के सालू के घर में। गांव कहाँ बा माने, एकरा पीछे गांव बा? कहाँ बानी अभी है जी? साहु लोग के बरांडे में आके बानी। अच्छा, दूसरा के घर में आके बानी? सामान उमान जो उन्होंने रखा, सामान सब वही में बा, इतना गड्ढा द्वार पर हो गल बा। अरे बाप रे, घर फट गल बा, तो घर डूब गल बा का माने? हां, ओ सोरे सब भाग के नया के बानी सुन, बकरी दू गो तीन गो बड़ा सुन देखे।
बचल बड़ी सन सब सामान वामान अनाज पानी तो सब ओही में बघोर दादी अभी मैंने भावुक हो रही हैं रो रही हैं। देखिए इनका कितना जो बना बनाया घर था जो परेशानी था उधर घूमिएगा थोड़ा सा उधर पूरा यहाँ पे इनका सामान पूरा बर्बाद हो चुका है। क्या 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 सामान था अभी घर में केवल अपना जा मैंने खुद अकेले पहुँची हैं यहाँ पे या सब सामान घर पे छोड़ दिए सब घर में पतोहलो भागल बटे पतोहलो कहाँ बा पतोहलो अपना अपना घर चल गए बनाई घर और वो लोग अकेले बनी अकेले आके खाना पीना खाना पीना के बनावता तो देता इतना तो खा लेते हैं। ओहो आप पतो ही लोग साथे ना ले गए लोग के ले जाते रहे वाले तो हम ना गए बकरियन के मारे ओहो सामान की जान छोड़ के सामान वाबा इतना पानी के हिला ले जाता तो जाता नहीं नहीं खिला लेते नहीं घर देखे जाता नहीं कबो एनडीआरएफ की टीम तो लोग लो के ले जाके घर और घुमाओ था। हाँ ये लोग ना अपने अपने गाँव के पत्थरा के लोग ले जाता कहते हैं तो हेने पैदल की गंजा पाइप रुआ तो पानी बहुत तेज बहुत दादी काफी इमोशनल हो गई हैं और इनका सामान कुछ बकरी पाली हुई थी दो तीन बकरी जिसको लेके ये बाढ़ में रुके हुई हैं दूसरे के घर में और ये इनकी जो बेटा कहाँ बा लोग बेटा घर नहीं खेलो बाहर कमाता लॉकडाउन में बाहर कहाँ कमा बेटा कहाँ रह ले देहरादून देहरादून में रह लोग देहरादून में बेटा हैं अब पतो लोग अपने मैंने मायके चली गई हैं और दादी घर का मोह और जो बकरी पाली हुई थी उसका मोह लेके यहीं पे दूसरे के घर में आश्रय लेकर रुकी हुई हैं दूसरे का खाना के भरोसे ये इनको खाना मिल रहा है आप देख रहे हैं। हम लोग यहाँ भी पुरैना पंचायत के पथरा गाँव में और ज़मीनी हकीकत हम लोग दिखा रहे हैं बिहार के जो बाढ़ आई हुई है अच्छा तो सरकार के भी तो कम्युनिटी किचन है ना बनल बा जहाँ खाना वाना मिलत कुछ कोई नहीं आ रहा है सर तो कहे के रुक गई बकरी लेके तो जा सकत रही है जहाँ पतोई के घर बा जाए उन्हों डूबल बा घूम रही है सबको कहाँ कहाँ जाएगा सर पूरे मोहल्ले में गांव में पानी के चपेट में है तो कहाँ कहाँ जाएगा विधायक है वो आज तक जीते हैं वो भी नहीं देखने आया जहाँ जनता मर रहा है कि क्या कर रहा है क्या कर रहे हैं वो नहीं आ रहा आप इलेक्शन के पे रहे हम लोग से आप हम लोग से जज्बा ले रहे हैं पूछ रहे हैं आप लोग पत्रकार हैं ठीक है इतना ही सौभाग्य है जो आप लोग सुना दीजिए उनको बाकी इस गांव में देखिए जी कौन आदमी मर रहा है कौन आदमी जी अभी तो समय आ गया अभी तो खाने पीने के ना कपड़ा लता के भला हम लोग तो चले जाएंगे क्यों ये अपना क्रियाक्रम कर लेंगे ये कहाँ जाएगी ये सब कहाँ जाएगी कौन चीज की व्यवस्था है मैंने आपका कहना है कि जो विधायक हैं क्या नाम है नमतुल्ला जी उनसे नाराज हैं आप नाराज नहीं है पूरे सब आदमी नाराज है जब से जीते हैं तब से दो कदम आए हैं उसके बाद नहीं आए हैं तो अब तो समय आ गया है आप किसको वोट देने वाले अब हम उसी को देंगे जो हम लोग सुरक्षा करेंगे जो हम लोग अच्छा करेंगे उन्हीं को वोट देंगे मैंने इनको नहीं देंगे नहीं नहीं कसम खा लिए हम लोग कसम खा लिए हैं कोई नहीं इस पांच नंबर से लेकर अभी तक कोई नया उम्मीदवार यहाँ पे आया नया उम्मीदवार भी कोई भी आएंगे हम लोग के सुरक्षा जो देंगे उनको वोट देंगे नहीं तो अब नहीं देंगे अगर कोई नहीं आता है तो फिर किसको वोट देंगे इसी तरह रहेंगे इस गाँव में कदम कोई मत रखे पानी रहेगा हमेशा रहे चाहे अभी रहे चाहे हर जाए मतलब जो मदद के लिए आगे आएगा हाँ जो मदद खातिर आएगा जो हमारे माँ बाप को देखेगा हमको देखेगा उन्हीं को वोट देंगे हमारे माँ मर रही है हम चल जाएंगे वहाँ नहीं अब तो रिजल्ट देने की समय है ना पाँच साल में किसने देखा अब पाँच साल में कोई नहीं देखा तो फिर वोट किसी को नहीं देने वाले नहीं जो देखेंगे उन्हीं को देंगे इस हालात में अच्छा इस हालात में यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं यहाँ पे नेता लोगों से और प्रशासन से काफी नाराजगी दिख रही है लोगों में ना वीडियो आल बड़े ना सीओ आल बड़े ना मुखिया ना सरपंच ना डीडीसी आल बड़े केहू ना के दिक्कत बा बच्चा ले कम रोतनी रोड पर बटन बने एने भगतनी एगो प्लास्टिक तक ले के मिलो हम चार गो बच्चा ले कहां जाए ना खाए के साधन ना रहे के साधन सर बताए ऐसी स्थिति में हमारा कोई मदद नहीं करेगा तो किस बात के सरकार है किस बात के मुखिया है हम क्या जानते हैं मुखिया के जो हमारा मदद करेगा उसी को हम जानते हैं जो हमारा अपना है
तो अभी हम लोग देवापुर के पास हैं। ये पथरदेवा गांव है, पथरा गांव है पुरैना पंचायत का। यहां पे देख रहे होंगे सारे लोग, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ ये गांव है। और यहां पे लोगों में नेताओं के प्रति काफ़ी नाराज़गी है, प्रशासन के प्रति भी काफ़ी नाराज़गी है। हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे नीचे उतर के इन लोगों से बात किया। यहां तक अभी तक सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। और कम्युनिटी किचन की बात की जा रही है, वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बाहर में झजवा में लगा हुआ है। और यहाँ पे खाने की परेशानी है, लोगों को पानी पीने की परेशानी है। पूरा गांव देख रहे होंगे इधर, इधर थोड़ा सा दिखाइए इधर। लोग जब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो लोग यहाँ पे आभार प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पे लोग हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये लोग हम लोगों को आभार दे रहे प्रकट कर रहे थे कि भाई आप लोग कैसे कैसे यहाँ पे पहुँच गए। अभी तक कोई नेता यहाँ पे नहीं पहुँचा है। और यहाँ दिखाएँ, पीछे में दिखाइए थोड़ा सा, यहाँ पे मकान भी डूबा हुआ है यहाँ पे। और काफ़ी परेशानी है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ बूढ़ी दादी हैं, कुछ ग्रामीण लोग हैं। ये लोग बीच में फंसे हुए थे, एनडीआरएफ की टीम इन लोगों को बाहर लेकर जा रही है। तो अभी एनडीआरएफ की कितनी टीम यहाँ पे मौजूद है? एनडीआरएफ की टीम सर हमारे पास तो यहाँ हम लोग एक टीम आए हुए हैं। बहुत बाकी सर और गोपालगंज के अंदर हमारा बहुत सारा टीम लगा हुआ है। इधर में हम लोग भी 3-4 दिन से लगातार लोगों का सेवा कर रहे हैं और उनको ला रहे हैं। अभी 3-4 लोग का डेथ भी हुआ पानी में डूबने से ना? सर ऐसा तो हम लोग के सामने नहीं हुआ, ऐसा पहले से इनका किसी कारणवश हो रखा हो, जिन्हों हमने आने के बाद उनका रेस्क्यू किया। ए छोटू, क्या नाम हुआ? अम्मी। कौन क्लास में पढ़ते हो? क्लास कहाँ पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो? ऐसा बाढ़ कभी देखे थे? बाढ़ नहीं देखे थे। यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पे 18 साल बाद बाढ़ आया है। 18 साल पहले बाढ़ आया था, उसके बाद बांध बंद बन गया था 2002 में। बांध बनने के बाद फिर दोबारा कभी बाढ़ नहीं आया था। इधर पास है ना उस साइड के लिए पानी, उधर भी इधर से ही निकल रहा होगा। ये आप पीछे में NH-28 देख सकते हैं और वहाँ पे हम लोगों की गाड़ी लगी हुई है। आप दिखाइए थोड़ा सा उधर, और नीचे से अंडर पास देख रहे होंगे, यहाँ से पानी उस साइड भी फैल रहा है। तो अभी आपने देखा हम लोग गांव के अंदर पहुंचे हुए थे, ज़मीनी हकीकत दिखा रहे थे। यहां का जो बाढ़ क्षेत्र था वहां का पूरा लोग कैसे यहां पे लोग नेताओं के प्रति गुस्सा हैं और प्रशासन के प्रति भी लोग नाराज दिखे यहां पे। अभी यहां पे बहुत खुशी हुई हमें देख के। मैं जैसे ही बाहर निकला, हमारे क्लास के जैसे 10th क्लास हम लोगों ने मैट्रिक में हम लोग एक साथ पढ़े हुए हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मनोरंजन कुमार पांडे है, मेरा घर करवातही बाज़ार पड़ता है। और अभिषेक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई साथ में की है। आज सुबह मैंने न्यूज़ देखा कि देवापुर में और इससे आसपास की जगहों में बांध टूटने की वजह से घर में रख लेता है, लोग कुछ नहीं मिलता है, देखिए जा रहा है सब लोग रख लेगा आप। तो बांध टूटने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारा पानी वानी आ गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो थोड़ी सी सामाजिक जिम्मेदारी मुझे मेरे अंदर थोड़ी ऐसी महसूस हुई, तो मैंने अपने भतीजे के साथ सोचा कि कुछ हेल्प करें लोगों की। तो आज सुबह मैं अपने बाइक से ही कुछ सामान वामान खरीद के, जिसमें ये बच्चों के लिए थोड़ा बिस्किट और ये चिवड़ा उवड़ा लेके आया हूँ। तो ये सोच रहा है कि इधर लोगों को बांटा जाए। चलिए मैं इसलिए हेल्प हो सके इन लोगों की। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि मेरे क्लास के जो फ्रेंड हैं अचानक से मुझे बाहर मिले, और वो भी देखिए लोगों की मदद करते हुए। हमारे जितने भी क्लास फ्रेंड थे सारे अभी अच्छे स्थिति में हैं और सारे लोग ऐसे ही समर्पित हैं लोगों के प्रति। हम सारे लोगों से मिलाएंगे, बहुत जल्द हम लोग रियूनियन करने वाले हैं, हम लोग मैट्रिक क्लास के, हम लोग जितने भी थे 10th क्लास में। और अभी ये पूरा सामान लेके ये अंदर जाएंगे एनडीआरएफ टीम की मदद से और लोगों के। बहुत ही जल्दबाजी में मैं निकला था, तो अभी थोड़ा सामान कम है। अभी 2-3 दिन के अंदर मैंने अभी गाँव में बात करके आया हूँ मैं,
तो पूरा पूरी सब्जी का वो इंतजाम करा के। देखिए ये होता है समर्पण, जैसे इन्होंने सुना न्यूज़ देखा, अकेले ही अपने भतीजे को लेकर यहाँ पे आ गए। बहुत सारे लोग हैं जो अभी गांव वाले जो बोल रहे थे, जैसे बाबा बोल रहे हैं, लोग रोड पे आते हैं फोटो सेल्फी खिंचा के बिस्कुट दे के एक दो लोग बिस्कुट गया। देखिए जहाँ बांध टूटा है वहाँ से हम आए हैं। अच्छा, जहाँ बांध टूटा है और बीच धार में हमारा घर है, अंदर तक कोई मदद लेकर नहीं जाता, सब लोग आते हैं, जो भी है पथरा का लोग लूट लेता है यही जो किनारा में है। और लोगों को भी तो चाहिए कि अंदर जाके आपकी मदद। कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता है, हमसे पूछिए। कोई जनप्रतिनिधि अभी तक कोई नहीं पहुंचा, नहीं वार्ड है, नहीं कोई मुखिया है। ऐसे युवा पहुंचेंगे आप लोगों तक, जैसे देख रहे हैं ये अभी अंदर लेके जा रहे हैं। हम चलते हैं वहाँ। ठीक है, आप लेके जाइए, जहाँ जरूरतमंद लोग हैं वहाँ पे बटवाइए। कुछ नहीं मिलता है हम लोग का, तिरपाल आया वो भी नहीं मिला है, हम लोग खाने भी नहीं मर रहा है। चाचा जी बाढ़ से फ्री है पूरा, जो हम जाके उधर अभी गाँव के लोगों को बोलते हैं अपने तरफ में, सभी लोग अभी आएंगे, हम लोग काफी सारे लोग आने हम चलेंगे। नहीं सभी लोग आएंगे, सभी लोगों का सहयोग होगा, जहाँ तक समाज मिला है कुछ भी साधन नहीं है, हम लोग भी आप लोगों से जुड़े हुए लोग हैं तो जरूर सहयोग होगा आप सभी। दूसरे का घर में हम आकर हम लोग। तो अभी मैं अपने गांव पे आ चुका हूँ, वहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका क्योंकि थोड़ी देर में ही बारिश शुरू हो गई थी और हम लोग पूरा भींग गए थे। और मुझे अफसोस इस बात का भी था कि मैं वहाँ पर कुछ लेकर क्यों नहीं गया था, लोगों के खाने पीने की चीज़ें क्यों नहीं लेकर गया था। बहुत दुख हुआ देखकर, वहाँ की व्यवस्था को देखकर, वहाँ लोगों में नेताओं के प्रति काफ़ी नाराज़गी देखी। आपने सुना, लोग बता रहे थे कि लोग आते हैं वीडियो बना के फ़ोटो खींच के लोग चले जाते हैं, कोई मदद नहीं करता। मैं और भी जगह वीडियो बनाने के लिए जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा ज़मीनी हक के जो बाढ़ का है, और मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार से जब भी जाऊं तो लोगों की मदद के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर ज़रूर जाऊं। फ़िलहाल के लिए मैं आप सभी से विदा चाहूंगा, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।